लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। लगातार हो रही लूटपाट की वारदातों के खिलाफ और बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला बटाला के प्रधान राकेश भाटिया व नगर काउंसिल के प्रधान नरेश महाजन की अध्यक्षता में एक व्यापारियों व पद अधिकारियों का शिष्टमंडल एसएसपी बटाला को मिला। जेड़ा असी शहर के व्यापारियों नू नाल लेके एसएसपी नू भारतीय जनता पार्टी नू मिलन दा कार्यक्रम रखा सीगा, इस वास्ते सी कि थोड़े दिनों तो 17-1 तो ही मैं समझदा जो शहर के एक दहशत का माहौल चोरिया डकैतियां हो रही ने, अज तक कोई भी बंदा वो ट्रेस नहीं हो पाया, एक भी चोरी जी फड़ी नहीं गई। शहर के दहशत का माहौल है, दुकानदार जोड़े अगर 9 बजे दुकाना तो जाते सके, हौली हौली उ माहौल जरा आतंकवाद के वेले का दुकानदारों को याद आ रहा भी जो 9 तो 8, 8 तो 7 दुकानदारों का टाइम हो गया, और अज भी लोगों च उ दहशत जी फिर नज़र आ रही है। इस करके असी अज एसएसपी साहब नूं मिलन आए थे भी आ जिहड़ियां 1.5 महीने तो कोई भी चोरी जी ट्रेस नहीं हो पाई, जिहड़ी है ढलाई चल रही है, यू कसया जाए तो शहर से जिहड़ा दहशत का एक माहौल बन चुका, इनू दूर किया जाए, लोगों से जिहड़ा पैनिक का माहौल है इनू दूर किया जाए। और एसएसपी साहब ने यह विश्वास दवाया भी 2-4 दिनों के विच ही असी इनू ट्रेस करके कुछ ना कुछ रिजल्ट जिहड़ा सामने लियावांगे, और सानू पूरन विश्वास आ कि प्रशासन इस पासों जो एसएसपी साहब ने विश्वास दवाया उसे खरा उतरेगा। मैं बड़ा सीधा तो स्पष्ट है कि साढ़े म्युनिसिपल काउंसलर विनय महाजन की मदर दे कोलों लगभग 12 दिन पहला खो हुई है, और उस तो अलावा शहर च होर भी कुछ घटनावां जिहड़ियां चोरी दी जां होर तरह दी वापरियां उहदे तलक जाण के अही एसएसपी साहब ने अज गल कीती है कि 12 दिन लंबा समा बीत जाण दे बावजूद एक काउंसलर जिम्मेवार आदमी हुंदा, लगभग 4,000-4,500 आदमी नूं रिप्रजेंट वार्ड दे अंदर करदिआं होइआं, और वैसे भी साडे स्टेट दे लैवल दा ओह वाइस प्रैजीडेंट है युवा मोर्चा दे, इस करके सानूं थोड़ा जिहा इंस्क्योरिंग फील हुई है भी शहर के अंदर वातावरण वो करके डिमोरलाइज लोग होए ने भी जे इन लोगों वारदात हो सकती है, आम वारदात होने तो बाद की होएगा क्योंकि 12 दिन बीत जान लंबा समा थे। पर इतने मैं गल जरूर कहांगा कि एसएसपी साहब वालों एफर्ट्स काफ़ी अच्छे ढंग नाल कीतियां गईयां ने, मैं उन्होंने एसएसपी साहब की गल दे उत्ते अही उन्होंने कितनी बारी मिले हैं, 4-5 बारी उन्होंने अपना टाइम भी दिता है, पर नतीजा ना निकलन करके लोगों के मन के अंदर, क्योंकि लोग रिजल्ट चाहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम के उत्ते जो ये गल सामने आ जाए तो लोगों के मन से ये गलों की छाप दूर हो जाती है भी चलो दहशत घट जाती है। भावें गगनेजाई के बारे एसएसपी साहब ने कहा, पर 2.5 साल लोगों ने एक पंजाब के वातावरण च गगनेजाई की मौत तो बाद जड़ा उन्होंने अपने गोलीकांड तो बाद अगर 2.5 साल बाद लड़े गए, 2.5 साल के अंदर पंजाब के वातावरण से एक पैनिक सी, और वो एक पैनिक अतवादी पैनिक सी। ये अगर अही चाहते हैं बेनती की है भी जोड़ा मामला है छेती तो छेती जल्दी तो जल्दी सुलझाया जाए और सुराग न लभ्या जाए, और सुराग लभ के लोगों के मन दी दहशत को दूर। बीजेपी का जो वफद मिले वो कहते हैं कि जड़िया शहर के कुछ पिछले समय दौरान चोरिया ज स्नेचिंग हुई है वो रिगार्डिंग थोड़ा पुलिस इंटेंसीफाई करे अपनी इनवैसटीगेशन, तो जो बंदे आ उन्होंने फड़ के अंदर लीए, तो अं ट्राई कर रहे हैं जोड़े जिन्हिया थैप्स आलमोस्ट उन्होंने जो क्ल्यू आ साढ़े को काफ़ी इंपोर्टेंट आए हैं, जी रॉबरी आदा भी क्ल्यू काफ़ी वधिया मिले, तो शॉर्टली मैं लगता कि अं जी ट्रेस करके तो इन्हों का जो कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्ड कर। नेशनल बस के लिए गुरदासपुर से भोपाल सिंह की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।